फ्रेंड्स, आज मैं आपको शियाटिका और शियाटिका की होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, शियाटिका एक तरह का न्यूरेल्जिया है दोस्तों। अगर न्यूरेल्जिया क्या होता है कि नसों में अगर सूजन आ जाए तो उसको न्यूरेल्जिया बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन, मतलब ऐसा दर्द जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी जैसा करंट मार दे, वैसा दर्द आपको महसूस होता है न्यूरेल्जिया में। जहाँ जहाँ आपकी वो नस जाएगी शरीर में, वहाँ वहाँ आपको दर्द होगा। तो सियाटिका एक तरह का न्यूरेल्जिया है। न्यूरेल्जिया सियाटिक नर्व में होता है। सियाटिक नर्व में दबने के कारण उसमें न्यूरेल्जिया होने लगता है, उसमें सूजन आ जाती है सियाटिक नर्व में, जिसके कारण आपको जहाँ तक सियाटिक नर्व जाती है वहाँ तक आपको रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन, ऐसा लगता है चल रहा हो दर्द और बहुत तेज़ दर्द, इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन और स्पाज्मोटिक पेन जिसको बोलते हैं, फटना और बिल्कुल करंट जैसा मारना, वैसा दर्द आपको महसूस होता है। तो सियाटिक नर्व आपके लंबर रीजन से, मतलब पीछे बैक कमर से लेकर पैर तक पूरा वहाँ नीचे तक जाती है। तो अगर आपको सियाटिका है और न्यूरेल्जिया हुआ है तो पूरा कमर से लेकर, कमर से चालू होगा पैर दर्द आपका, नीचे जैसे लंबर रीजन में नीचे कमर के जस्ट नीचे वाले पोर्शन से आपको दर्द चालू होगा और वो पूरा हिप से होते हुए पूरा लेग कवर करेगा आपका एक साइड का। तो मोस्टली क्या होता है, सियाटिका आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है और राइट साइड में कम होता है, लेकिन राइट साइड में भी होता है। और इसमें दर्द एक ही साइड ज़्यादातर महसूस होता है, किसी किसी केसेस में दोनों साइड में भी दर्द आपको रहता है, लेकिन मोस्ट केस में एक ही साइड में दर्द रहेगा, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो दाएं साइड में आपको दर्द होगा ज़्यादा या बाएं साइड में दर्द होगा। और दर्द आपको कमर से लेकर नीचे तक पूरे पैरों तक दर्द, बिल्कुल इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन, मतलब करंट जैसा लगना आपके पूरे पैर में, आपको करंट जैसा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बैठ नहीं पाएंगे आप, उठ नहीं पाएंगे अच्छे से। शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे दर्द बढ़ता है, लेकिन जब वो बहुत तेज़ होता है तो आप उठना बैठना बिल्कुल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अनबियरेबल असहनशील दर्द होगा, सहन नहीं कर पाएंगे आपको दर्द को। तो ऐसा दर्द आपको सियाटिका में होता है और सियाटिक पेन सियाटिक नर्व के कंप्रेशन के कारण होता है। और कंप्रेशन क्यों होता है, उसमें प्रेशर लगता है सियाटिक नर्व में ड्यू टू बल्जिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम लंबर रीजन, लंबर और सैक्रल रीजन में L3-L4 में बल्जिंग हो जाती है, उसके बीच में से थोड़ा सा बाहर निकल आता है, मान लीजिए कुछ फ्लूइड या एक क्या कहते हैं मास टाइप का ही बाहर निकल आता है, उसको हर्निया बोलते हैं इंग्लिश में। तो हर्निएशन ऑफ क्या कहते हैं L3-L4-L5 के बीच से हर्निएशन होता है, जिसके कारण सियाटिक नर्व दब जाती है और उसके कारण सियाटिका हो जाता है दोस्तों। अब सियाटिका के कारण में अपन जाते हैं, तो कारण तो मैं आपको बता दिया, लेकिन अगर आपकी वेट बहुत ज़्यादा है और आपका बैठने का, जैसे मेरा बैठने का बहुत ज़्यादा रहता है, मैं 8 से 9 घंटे बैठता हूँ कुर्सी में, तो ऐसे लोगों को सियाटिका बहुत जल्दी हो जाता है। कमर दर्द से शुरुआत होती है और आगे जाके सियाटिका हो जाता है। तो आप बैठे, लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि बैठने का, तो कम से कम 15-20 मिनट में थोड़ा सा उठ के हल्का सा टहल के फिर बैठें। तो इससे क्या होगा, आपको कमर दर्द और सियाटिका होने के चांसेस कम हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं होम्योपैथिक दवा के ओर। तो होम्योपैथिक दवा मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है कोलोसिंथ मदर टिंचर। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए, कोलोसिंथ मदर टिंचर लिख लीजिए। यह बहुत अच्छी सियाटिका के लिए दवा है और ये एज अ पेन किलर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, और नसों को, सियाटिक नर्व को खोलने में उसके, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर कंप्रेशन जो लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उसको कम करने में, हर्निएशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम उसको कम करने में ये बहुत मददगार है कोलोसिंथ मदर टिंचर। तो इसको आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। आधे कप पानी में 20 बूंद डालिएगा, उसको दिन में 3 से 4 बार आप लीजिएगा। तो पहली दवा हो गई कोलोसिंथ, और दूसरी दवा है आर्निका 200। ये आर्निका 200 आपको बड़ी फाइल, इतनी बड़ी फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल 30 ml फाइल ले लीजिएगा, ऐसी 30 ml फाइल ले लेंगे इस टाइप की, ये देखिए इस टाइप की 30 ml फाइल ले लेंगे। क्या है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा आर्निका बिकती है कि हम छोटी फाइल नहीं बेच सकते, हम बड़ी फाइल को फिर छोटी फाइल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 30 ml फाइल ले लीजिएगा पैक्ड आर्निका 200, और उसको 2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है, 2 बूंद
दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग में लेना है, ऐसे जीभ में आपको टपका लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद रात को। तो 3 बार आपको आर्निका 200 लेना है। और ये क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई को और नर्व सप्लाई को स्ट्रेंथन करती है, उसको बढ़ाती है, जिससे आपको जो झुंझुनाहट होती है, झुंझुनाहट भी सिम्टम है, नमनेस जिसको बोलते हैं, अगर नमनेस आपको होती है तो उससे आपको आराम लगता है, पेन से आराम लगता है, और कंप्रेशन प्रेशर को भी कम करती है, हर्निएशन को भी कम करती है आर्निका। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको कुछ ना मिले तो आर्निका ज़रूर ले लीजिए, आर्निका से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे सियाटिका में। तीसरी दवा है विस्कम एल्बम 30, तो इसको भी 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है, आर्निका के 1 घंटे बाद ले लीजिएगा, आर्निका लीजिएगा, आज 1 घंटे बाद इसको विस्कम एल्बम ले लीजिएगा और 10 मिनट बाद कोलोसिंस ले लीजिएगा। तो विस्कम एल्बम 30 2 बूंद दिन में 3 बार इसको भी लेना है। ये भी सियाटिका में बहुत वेल नोन मेडिसिन है और ये सियाटिक नर्व में ही अच्छा काम करती है, और सियाटिक नर्व को स्ट्रेंथन करती है, हर्निएशन को कम करती है, और पेन को रिलीफ होता है पेन में बहुत ज़्यादा। तो ये 3 मेडिसिन है। इसके आगे मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा सियाटिका के ऊपर, जिसमें आपको मैं रेकवेक के आर ग्रुप्स के सियाटिका की मेडिसिन आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आप ये 3 मेडिसिन इसलिए बताया हूँ क्योंकि मैं ये 3 मेडिसिन रेगुलरली यूज़ करता हूँ सियाटिका में, और इस तीनों मेडिसिन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आपको सियाटिका में मिलेंगे। विद इन 10 डेज आपको सियाटिक पेन में रिलीफ हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप ये 3 मेडिसिन लिख लीजिए आपको सियाटिका हो तो, और आपका सियाटिका ठीक हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप बताना भूल गया कि आपको भाटे की सब्ज़ी, दही, माठा, खट्टा, सेमी की सब्ज़ी, ये चीज़ नहीं खानी है। मतलब आपको एग प्लांट, कर्ड, कर्ड से बना हुआ कुछ भी चीज़, ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, और इस चीज़ का, और बीन्स भी बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खाना है, इसको अवॉइड करिए एज अ प्रिकॉशन, इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप बैठना लंबे समय तक बैठते हैं तो उसको भी अवॉइड करिए, थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ा टहल के फिर उसके बाद बैठिए। और अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं, तो प्लीज़ उसे 10-15 मिनट का गैप दे दे के बैठिए। 2 मिनट उठने में कोई कुछ जाता नहीं है, उतना आदमी उठ सकता है, तो आप उठिए, उससे आपको सियाटिका की प्रॉब्लम और बैकएक की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सेम दवा बैकएक में भी असर करती है, तो अगर आपको कमर का दर्द है तो उसमें भी सेम दवा ही असर करेगी, बहुत अच्छा असर करेगी, बहुत अच्छे रिलीफ मिलेगा आपको बैकएक में, तो वो भी ले सकते हैं आप। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कैसा ये वीडियो लगा प्लीज़ इसे लाइक करिए, नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन रेड कलर का वो मत भूलिएगा दबाना, और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो उससे क्या है कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको बार बार दिखा सकूंगा, और मैंने अभी 50+ मेरे वीडियोज़ हो चुके हैं अलग अलग डिसीज़ के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप सिंपल सा मेरे पेज पे जाइए और वहाँ से आप पूरे वीडियोस, आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्टमक कंटेंट्स, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सब के बारे में मैंने आपको, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज़, तो ये सब के बारे में वीडियोस हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। हाइट इंक्रीजिंग, ओबेसिटी, ये सब वीडियो हैं, तो आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा वीडियो देख के, नॉलेज मिलेगा। मैं ऐसे ही होम्योपैथिक दवा आपके लिए लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब है, 500 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसे ही सब्सक्राइब बटन दबाते रहिए, आपको ही फ़ायदा है, आपको अच्छे वीडियोस मिलते हैं यूट्यूब में देखने को, तो आपको ही इसका फ़ायदा मिलेगा। सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सियाटिका के लिए आर्निका और कोलोसिंथ और